गतिशील बनाता मंच नहीं है। ध्यान से, खासकर युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा, ध्यान से सुने तो बहुत बड़ा दर्शन है इसमें। जैसे आप सुनते हैं अध्यात्म दर्शन में, विशेषकर भारतीय दर्शन में, त्याग, तपस्या, धैर्य, वही चाहिए इसमें। कि जो कोई भी यहां पर आया, मैं तो आज तक जितने लोगों से मिला हूं, जो कविता पसंद करता है, कविता पढ़ता है, तो कविता लिखता जरूर है। कोई ना कोई बात कहता है, कविता में बात कहता है, और जो अपनी बात कहता है वो चाहता है कि लोग इसको सुने। लेकिन एक ऐसा मंच जो आपको ये बात कहने से रोकता है कि आप अपनी बात नहीं कहें, ये बहुत बड़ा धैर्य चाहिए इस बात के। मैं अपनी बात करूं, एक छोटा मोटा सा जो भी यात्रा रही है मेरी साहित्यिक यात्रा, मेरे मित्र बैठे हैं यहाँ पे, राकेश जुगनाथ जी, सन 2000 से मैं मंचों पे जा रहा हूँ, कविता पढ़ रहा हूँ, अनेक नगरों में और देशों में भी जाने का मौका मिला है। 14-15 देशों में चला गया हूँ, मैं मंच में कविता पढ़ता हूँ। लाल किले का जो प्रतिष्ठित काव्य मंच कहलाता है गणतंत्र दिवस का, उसमें मैं हिंदी काव्य में 4 बार गया हूँ। और मुझ जैसे कवि को जब पहली बार कविता कार्यक्रम में बुलाया गया और ये कहा गया अपनी कविता ही पढ़ेंगे आप, तो वहां पे मेरे धैर्य की पहली परीक्षा। दूसरी बात, जैसे सुभाष जी ने कहा कि हमने जब ये चला कि भाई 4 से 5 कविता कार्यक्रम कर लो, फिर 5 अच्छे अपनी सुनाएंगे, क्योंकि अभी हमने एक नई लिखी है वो सुनाना चाहता हूँ। तो सुभाष जी का यह भी नहीं होगा। कविता कार्यक्रम का मतलब है कि जो आपने बहुत सही बात कही, अगर मैं जेब में अपनी कविता लिख कर आया तो कविता करवा में नहीं आया, वो जेब वाली कविता सुनाने आया जो मैंने कल लिखी है। तो ये एक बात है। दूसरा ही इसका पक्ष है, जैसे कि हम टीचिंग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, मैं विशेषकर एक शिक्षक के रूप में, हम बच्चे के अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करते हैं, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, हियरिंग, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल। तो कविता कारवा से बड़ा तो कोई मन छू नहीं सकता। आपको कविता कारवा की बैठक में आना है, दूसरे की कविता को लेकर आए तो पढ़ेंगे आप, तो रीडिंग स्किल डेवलप हो रही है। फिर आप यहाँ आए, जैसे सुभाष जी ने कहा केवल अपनी कविता नहीं सुना, यहाँ पे तो एक सुना दी ना, बाकी जितना लोग बैठे उनकी सुननी है, तो हेयरिंग और लिसनिंग स्किल डेवलप हो रही है। फिर आप आपके सुना रहे थे तो आपकी स्पीकिंग स्किल भी डेवलप हो रही है। तो 4-4 स्किल डेवलप कराता है कविता कारवा, आध्यात्म दर्शन किया और आपको ले जाता है कविता कारवा। और एक और जो मैंने महसूस किया है, कुछ महीनों तक मेरे अंदर था भी, लेकिन इसने और ज्यादा विकसित कर दिया मेरे अंदर, जैसे आत्ममुग्धता, आत्म प्रशंसा, आत्मश्लाघा, इनसे दूर करता है कविता का। नहीं तो प्राय जैसे हमारा ही होता है कि कोई कविता सुनाई है, शुरुआत तो यहीं से हुई थी, बल्कि जुगनाथ जी मेरे तो बचपन के साथी हैं, उन्होंने कविता लिखी, उन्होंने मुझे सुनाई, मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी कविता लिखी है। फिर मैंने सुनाई, अरे तुमने तो बहुत बढ़िया लिखी है, बोले तो सही गंदे बोल तो पाए दोस्त है, तो ये भी नहीं कह सकते यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, दोस्त को बुरा मिल जाए। तो इस चीज से दूर करता है कविता कारवा, आत्मुग्धता नहीं बिल्कुल भी, आत्मप्रशंसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं हालांकि ये आप देखिए बहुत सरल बात नहीं है, बहुत सरल होना बहुत कठिन है। अगर आप इस बिंदु पर पहुंच जाए कि आप अखबार में अपना नाम नहीं ढूंढेंगे आयोजन के पश्चात, या आपने दूसरे शिकायत की, यार लो नहीं हमारा तो नाम ही नहीं है, हमने तो इतनी मेहनत की, भाग दौड़ की, पूरा आयोजन किया, हमारा नाम ही नहीं छपा। लेकिन आप आयोजन के लिए आयोजन नहीं करते, नाम के लिए आयोजन कर रहे। तो कविता कारवा ये भी सिखाता। तो कई मायनों में कविता कारवा ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई, मैंने सीखी और सीख भी रहा हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि मैं पहले श्रीनगर में था, तो मुझे याद है सुभाष जी वहाँ पर आए थे, हमने कविता कारवा प्रारंभ किया था, हालांकि कृपया कारवा समा बंद हो गया। मैं ये अपने कंधे अपने आप सेल्फ प्लेस नो रिकमेंडेशन, मैं तो नहीं कहूंगा कि मैं वहां से आ गया तो कविता कारवा बंद हो गई, लेकिन गाँव से कविता कारवा का थोड़ा जो सफर है थोड़ा सा शुरू हुआ। लेकिन जब मैं रुड़की आया, यहाँ पे अनिल अमरोही जी भी बैठे हैं, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, मैं जिस दिन से रुड़की आया हमने कविता कारवा को शुरू किया। सुभाष जी की बड़ी बात है, मैं एक इनको माइल स्टोन मानता हूँ कि एक आदमी दिल्ली से चल करके श्रीनगर गढ़वाल पहुंचता है या रुड़की आता है, केवल इसलिए कि कविता कारवा की बैठक हो, शुरुआत हो, और कविता सुनाता है, तुरंत एक चाय भी पीता है, लौटी बस में बैठ के वापस चला जाता है। काइंड ऑफ डेडिकेशन, ये लेवल चाहिए डेडिकेशन का, समर्पण का। अगर आप इस स्तर का समर्पण रखते हैं किसी भी संस्था के लिए, कि आप दिल्ली से चल के आ रहे हैं, कौन आता है, पैसा किसके पास है खर्च करने के लिए, दूसरों के लिए अपना पैसा खर्च कर, हमारे कई बार मेरी मिसेज होती है, क्या देंगे
अगर पड़ गई मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर पड़ गई लिफाफा लेने की तो क्या मिला वहां, क्या मिला? तो क्या मिला से जो इसमें मिलता है, जो वो मिला है वो बता नहीं सकते आप क्या मिला क्या कर। तो रुड़की में प्रारंभ हुआ और जैसा कि सुभाष जी का बहुत सारे पेड़े भी आए, ये वाला भी आया कि मैं अब नहीं सुनाऊंगा, कई लोगों से नाराजगी हो गई, लोगों ने छोड़ दिया, बहिष्कार किया और आलोचनाएं भी बहुत की और विभिन्न प्रकार की से प्रतिक्रिया होती है। जब आलोचना में आदमी उतर जाता है तो प्रतिरोध करने पे कि ये कविता कारवा का ऐसा अपनी तो सुनाने नहीं दे रहे हैं ये जो भी ग्राफ है। एक बार की घटना मुझे याद है, रुड़की में दिसंबर का महीना था, कविता कारवा की बैठक होनी थी। दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बादल सोते छाए थे, बारिश हो रही थी और दिन निर्धारित था। शाम को मैंने अपने एक साथी पंकज त्यागी असीम जी को फोन किया तो मैंने कहा भाई पंकज जी क्या है, चलो भाई साहब आज बारिश होगी। मुझे दो आदमी चाहिए। और हम तो वहां पहुंचे तो आप विश्वास नहीं करोगे, उस बारिश की फुहारों के बीच में कड़ रही ठंड में फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा आया, फिर छठा, सात आदमी आ गए उसमें। जबकि रुड़की में प्राय आपने देखा होगा फोटो में 15-20 तो रहते हैं। और एक और बात मैं जो कहना चाहता हूँ, इसके लिए मैं अपने कंधे अपने आप बताऊंगा कि रुड़की में जब से अनिल वर्मा अमरोही यहाँ पर हैं, जब से रुड़की में कविता कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, बिना किसी एक महीने भी नागा नहीं हुआ है, हर महीने एक बैठक होती है लगातार। और मुझे बड़ी खुशी है कि रुड़की में विशेषकर मेरे कुछ ऐसे रिश्ते प्राजी विकसित हो गए हैं जो कविता की रचना नहीं करते, जो साहित्यकार नहीं है, पढ़ भी नहीं पाए, जब मैं सी एम ए भी किया, नौकरी भी लग गए, लेकिन सुनना बहुत पसंद है, सुनाना भी बहुत पसंद है, बस सुनाए क्या बीते तो ही नहीं। तो उन्होंने कहा ये तो कविता करना बहुत बढ़िया, मैंने कहा आदि के है और ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दो तीन दंपति ऐसे पति पत्नी आते हैं, बहुत सी ऐसी मैंने नहीं सुनी होती, पढ़ी नहीं है, वो सुनने को मिलती है। और एक बात और, मैं यहाँ पे समय बहुत कम है, ज्यादा समय नहीं मिलता, कविता कारवा आपको यहाँ पे दक्ष भी करता है, आप ये दक्षता विकसित करता है कि आप यहाँ पे आके कविता को, क्यों आपने पढ़ा ना, आपने पढ़े नहीं, लेकिन आप उसको सुनाना भी है। जैसे मैडम ने अभी आपने बताई महादेव वर्मा जी की कविता की कठिन कविता को आपने गा के गीत में प्रो दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज भी विकसित होती है और कविता कारवा के सफर से मैं इसका एक छोटा सा सेवक हूँ, सिपाही हूँ, शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको प्यार करता हूँ कविता कारवा को। और मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी साथी इसमें आप लोग भी जुड़े और लोगों को बताएं, और मैं को जो मैं को मार देगा करके कि मेरी कविता, मेरी प्रशंसा, मेरी कविता पे तालियां, मेरा अखबार में नाम, मुझे प्रशंसा मिले और लोग बोले भाई क्या लिखते हो तुम यार, इस मैं से अगर ऊपर निकल जाएगा तो कविता कारवा का बहुत बड़ा वो सिपाही बनेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। सभी साथियों को बहुत